हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गौतम की क्लास। तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है आपकी डेट शीट चेंज के संबंध में। कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी ने 21 मार्च 2024 में डेट शीट में कुछ बदलाव किया था, जिसमें 16 तारीख के बाद के यानी 16 अप्रैल के बाद के जो एग्जाम थे चुनाव के कारण, उनमें कुछ संशोधन किया गया था जो कि कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं चल पाया था। फिर भी स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि डेट शीट में क्या चेंज हुआ है, और हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स तो 19 अप्रैल के एग्जाम में पेपर ही देने पहुंच गए हो। आपको लगातार चैनल के माध्यम से जो भी इम्पोर्टेंट नोटिस होती हैं वे बताई जाती हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इम्पोर्टेंट नोटिस का पता नहीं चल पाता है। तो आप ऐसे स्टूडेंट्स के पास वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे उनकी भी थोड़ी हेल्प हो सके। जो आपकी 21 मार्च 2024 को एग्ज़ाम की डेट शीट चेंज हुई थी, यदि आपके पास वो पीडीएफ नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, आपको वहाँ पर भी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। बात करते हैं आज की, यानी 20 अप्रैल 2024 को भी डेट शीट में कुछ बदलाव किया गया है, जिसमें कुछ सब्जेक्ट की डेट चेंज हुई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 17/2023-24 की मुख्य परीक्षा 2024 के वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत संचालित परीक्षा में बैक पेपर परीक्षा 2023 की परीक्षा वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत संचालित के परीक्षा कार्यक्रम में दिनांक 23/4/2024 को आयोजित बीए हिस्ट्री, जो कि आपका बीए का हिस्ट्री का एग्जाम होने वाला था 23 तारीख को, उसमें भी बदलाव कर दिया गया है। तो आपको 23 तारीख को एग्जाम देने नहीं जाना है, इसकी नई डेट जारी कर दी गई है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि विषय कोडों की परीक्षाओं की तिथि परिवर्तन के संबंध में ये विज्ञप्ति जारी की गई है। कृपया इस कार्यालय के पूर्व में निर्गत पत्र संख्या परीक्षा DR दिनांक 21/3/2024 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा सत्र 2024 की परीक्षाओं का पुनरीक्षित परीक्षा कार्यक्रम निर्गत किया गया था। यहाँ की 21 मार्च 2024 को भी रिवाइज्ड डेट शीट जारी की गई थी। उपरोक्त के संबंध में अवगत कराना है कि कतिपय परीक्षा केंद्रों पर दिनांक 23/4/2024 एवं 30/4/2024 को परीक्षार्थियों की संख्या उनकी क्षमता से अधिक होने के दृष्टिगत केवल निम्नलिखित प्रश्न पत्रों की परीक्षाएं निम्नानुसार आयोजित कराए जाने का निर्णय लिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सी तिथि में बदलाव किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 अप्रैल 2024 को, जो कि आपका मंगलवार को एग्जाम होने वाला था, उसकी नई डेट जारी की गई है 30 अप्रैल 2024 को। यानी आपका हिस्ट्री का जो एग्जाम था मंगलवार को होने वाला था 23 अप्रैल 2024 को, अब वह 23 तारीख को नहीं होगा, अब वह 30 अप्रैल 2024 को होगा। आपको 23 तारीख में परीक्षा देने नहीं जाना है, आपको केवल 30 तारीख में ही परीक्षा देने जाना है, जो कि आपका BA वालों का एग्जाम था हिस्ट्री का, जिसमें आपका सब्जेक्ट था पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया BC 600 से AD 606, जिसमें आपका पेपर कोड था A115। कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर अब भी भ्रम होगा कि ये BA फर्स्ट ईयर वालों के लिए है, सेकंड ईयर वालों के लिए है या थर्ड ईयर वालों के लिए है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिनका एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में था यानी 10 बजे से 1 बजे तक, जो कि आपका BA फर्स्ट ईयर का है, केवल उन्हीं की डेट शीट चेंज की गई है। यानी उन्हीं का एग्ज़ाम जो है केवल 30 अप्रैल 2024 को होगा, केवल BA फर्स्ट ईयर वालों का। यहाँ पर पेपर कोड दिया गया है A115। यहाँ पर केवल और केवल BA फर्स्ट ईयर वालों की ही डेट चेंज हुई है, यानी जो आपका BA फर्स्ट ईयर वालों का 23 अप्रैल 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में 10 बजे से 1 बजे तक एग्जाम होने वाला था, वह अब 30 अप्रैल 2024 को होगा, केवल BA फर्स्ट ईयर वालों का पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, जबकि BA थर्ड और सेकेंड ईयर वालों का 23 तारीख को ही होने वाला है। इसके बाद जिनका सेकेंड शिफ्ट में 2 बजे से 5 बजे तक एग्जाम था MA वालों का, जिनका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, जो आपका 30 अप्रैल 2024 को होने वाला था, अब वे 1 मई 2024 को होगा, जो कि आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर इंडिया एंड द वर्ल्ड, पेपर कोड है G473। और 30 अप्रैल को ही हिस्ट्री का एग्ज़ाम था MA वालों का, वो भी 1 तारीख को होगा, और 30 अप्रैल को ही इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम था, वह भी अब 1 मई को होने वाला है, जो कि आपका डेमोग्राफी का सब्जेक्ट है यहाँ पर, हिस्ट्री का है यहाँ पर रिसर्च मेथोडोलॉजी, यहाँ पर आप पेपर कोड देख सकते हैं G438, और इकोनॉमिक्स का यहाँ पर पेपर कोड है G409। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किन किन तिथि में आपका बदलाव किया गया है, आपके इसी के अनुसार एग्जाम होने वाले हैं। तो आपको किसी भी तरह के भ्रम में नहीं रहना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ने साफ साफ लिख दिया है कि उपयुक्त विषय कोडों के अतिरिक्त किसी भी अन्य विषय की परीक्षा में कोई तिथि परिवर्तन नहीं किया गया है, समस्त परीक्षाएँ पूर्व घोषित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार ही सम्पन्न होगी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं इसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।